यही समझ जी बात करें अगर चने की, तो देख रहे हैं कि 2.25% की आज करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है चने सितंबर वायदा में। तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से चने की MSP बढ़ा दी गई है, तो अब ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? जी मेरे ख्याल से एक फिलहाल नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ये जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते होते मुझे लगता है कि 5,200 के आसपास या थोड़ा सा हल्के से उसके ऊपर की एक्सपायरी होगी। तो नॉर्मल जो ट्रेडिंग है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, क्योंकि मिस्टर सरोसी जिन्होंने बाइंग की है वो अपना पोजिशन फिर से या जिन्होंने बाइंग होल्ड रखी है, क्योंकि नई पोजिशन तो नहीं दी जा सकती, तो वो अपना पोजिशन जो है फिर से ऊपरी स्तरों पर एग्जिट करने के लिए देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम निश्चित पर उसे हम शॉर्ट कवरिंग भी आता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज लेवल जो है 5,200 का होगा, जिसके करीब सितंबर फ्यूचर जो है एक्सपायर होगा, और एक नॉर्मल मूवमेंट है जो फिलहाल हमें मार्केट में देखने मिल रही है। जी तो यानी कि अभी भले ही चने के अंदर गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन वीकली क्लोजिंग होते होते 5,200 तक के लेवल से एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं।